आज आप लोगों को एक बड़ा ही पॉपुलर केमिकल के बारे में जो है वह बताएंगे और वो है आयोडीन। सबको आयोडीन युक्त नमक के बारे में खूब सुने होंगे और आयोडीन युक्त नमक किस तरह से शरीर के लिए उपयोगी है इसके बारे में तो सब कोई जानते हैं कि इससे हम लोग जो है घेंघा नामक रोग से बचा जा सकता है। उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो में हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुख्य ये है कि आयोडीन की उपयोगिता को सब कोई समझते हैं, लेकिन इस उपयोगिता को जो है हम लोग समझने से नहीं होगा। हम लोग आयोडीन वाले नमक जो खरीद करके लाते हैं मार्केट से, क्या दरअसल में उसमें आयोडीन उपस्थित है या नहीं है, या हम लोग आयोडीन के युक्त नमक जो खरीद कर लाते हैं जो पर्पस है आयोडीन शरीर में आयोडीन की कमी को पूरा करना, क्या वो पूरा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इस चीज़ को जानना और उसके बाद जो है अपने परिवार और समाज को इसके प्रति जागरूक करना। तो मुख्य रूप से आज जो है आपके घर में जो आयोडीन युक्त आप नमक लाते हैं उसको टेस्ट करने के लिए, क्या उसमें आयोडीन है अथवा नहीं है, या आयोडीन की मात्रा किस तरह का है, उसको जांच के लिए एक छोटा सा प्रयोग है जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर हम जो है मुख्य रूप से तीन चीज़ लिए हुए हैं, एक नमक, नींबू जिसमें कि यह इसमें सिट्रिक एसिड यह पिच होता है, विटामिन सी का सोर्स भी होता है, तो मुख्य रूप से हम सिट्रिक एसिड के टर्म में इसको बात करेंगे। यहाँ पर जो है ये हमारे घर का एक आयोडाइज्ड नमक है और किसी कंपनी का हम नाम लेना चाहेंगे, यह मुख्य रूप से आयोडाइज्ड नमक है वो। और यहाँ पर एक जो है आलू का टुकड़ा, ये तीनों चीज़ सबके घर में निश्चित रूप से होगा। और ये छुरी है जो टेस्ट के लिए नहीं, काटने के लिए, एकदम सिंपल सा प्रयोग है। आप क्या करिए कि अपने घर में जो आलू है इसको आप काट लीजिए और काटने का मुख्य पर्पस ये है कि इसका एक सरफेस बन जाएगा और उसके बाद इस सरफेस पर आपके घर में जो नमक है, इट मीन्स जिसको आप आयोडीन युक्त नमक समझ रहे हैं, उस नमक को इस पर डाल दीजिए और डालने के दो चार सेकंड इसको छोड़ दें, या इसको ऐसे फैला भी सकते हैं, इस तरह से फैला भी सकते हैं, और थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद आपके पास जो यहाँ पर ये नींबू है और इस नींबू को हमारा काटा हुआ नहीं है लेकिन हम काट लेते हैं ताकि कुछ बूंद बढ़िया से गिरे इसमें, और इसको हम लोग निकाल लिए यहाँ पर। और उसके साथ ये, और इसमें आप पर चार पांच बूंद जो है वह इस नींबू के रस को डालिए, इट मीन्स ये क्या हो गया आपका सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड डालें। अब इसको थोड़ा देर के लिए आप जो है दो चार सेकंड के लिए आप छोड़ दीजिए। अब देखिएगा कि वैसे अगर इसमें आयोडीन होगा तो इस आयोडीन के कारण जो यह कलर है इसका, जिसमें हम लोग की यहाँ पर पोटैटो प्लस पोटैटो के सरफेस पर जो हम लोग डाले हैं आयोडाइज नमक और ये सिट्रिक एसिड नींबू का रस, ये धीरे धीरे जो है वह ब्लू कलर में कन्वर्ट होने लगेगा। अगर यह ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाए तो इट मीन्स आपका जो नमक है वो आयोडाइज्ड है, और अगर यह ब्लू कलर में नहीं कन्वर्ट होता है तो इट मीन्स आप जो नमक खा रहे हैं वो आयोडाइज्ड नहीं है, सिर्फ आपको उसका नाम के लिए प्रयोग कर दिए। इस छोटा सा प्रयोग को आप भी करके देख सकते हैं कि आप जो नमक ला रहे हैं दरअसल में आयोडाइज्ड है अथवा नहीं है, आप प्रयोग करिए, नहीं है तो आप बदलिए नमक और फिर यूज करिए। धन्यवाद। अब देख लीजिए इसका रंग धीरे धीरे ब्लू होते जा रहा है और इसमें थोड़ा समय लगेगा अब यह और कंप्लीटली ब्लू होने में, उसको करके आप देख सकते हैं, मतलब छोटा सा यह प्रयोग। धन्यवाद।